क्या रीटा चौधरी लड़ सकती हैं अपने ही पति के सामने चुनाव? क्या दाता रामगढ़ सीट पर पति पत्नी होंगे आमने सामने? क्या रीटा का जेजेपी में जाना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी? जी हां, जब से सीकर के दाता रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह ने जेजेपी ज्वाइन की है, तब से ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। जेजेपी ज्वाइन करने के बाद रीटा सिंह ने कहा कि वो दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में भी रीटा सिंह ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उनके पति वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया। रीटा कांग्रेस के टिकट पर सीकर जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। रीटा और उनके पति के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। रीटा फिलहाल अपने पति वीरेंद्र सिंह से अलग रह रही हैं। इस बार वो अपने पति वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ सकती हैं। जेजेपी ने रीटा सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने के साथ ही पार्टी की महिला विंग का अध्यक्ष भी बनाया है। इसके अलावा रीटा सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण सिंह की पुत्रवधू भी हैं। नारायण सिंह कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नारायण सिंह दाता रामगढ़ से 6 बार विधायक चुने गए, लेकिन 1990 के चुनाव में अजय चौटाला ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नारायण सिंह को हराया। चौटाला दाता रामगढ़ में 1990 से 1993 तक विधायक रहे। फिलहाल दाता रामगढ़ से नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह विधायक हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी रीटा सिंह ने जेजेपी की टिकट पर दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अगर ऐसा होता है तो शायद राजस्थान की राजनीति में पहली बार पति पत्नी किसी सीट पर आमने सामने होंगे। दरअसल हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अजय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अजय चौटाला पहले भी कह चुके हैं कि राजस्थान में जिन जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, वहां जेजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अब क्या राजस्थान में भी जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।